कोई बात नहीं है, जहाँ ऐसी बात है तुम्हारे साइन कर रहा हूँ बाबू। हो क्या है पेपर लिया है अरे जो मेरा उसका जो उसका वो मेरा, इसमें साइन करने की क्या बात है। हाँ हाँ मैं लिख दे रहा हूँ सबको, तो बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा साइन बना दे रहा हूँ ले। ठीक है एक अपने पास रख, चला जाए मेरे जान, जरा ऐसा आराम करे मेरी बात सुनो। साथ में तुम्हारा हमारा सब एक ही है क्यों। अरे मोरी लड़ी गई ली तो हसी नजरिया, अब रास्ते में नजरिया लड़ावत है तही करे हमारे पास सुन। अरे मेरी जान कैसा प्यार कर रही हो तुम, प्यार ना तो उसे जूता लाट कर पहले खड़ा होकर सुना हमारे बात कि चला जा तू घर छोड़ करके हमारा, और मेरे घर ना होगा रे तेरा। तो मेरे घर ससुर अगर ना गया तू, कि मेरे घर से कुत्ता हरे अगर ना गया तू, तो समझ ले यही पर खत्म खेल। तो क्या ये मालूम हो चाहे कि बिहार के लड़की जतनी है रे उनके का चाहिए, जब हमके चाहत रहा तो उन मिलकर निकल यहाँ से हट। ये नीति जो चाहता था वो मिल गयो सर, तुझे नहीं मालूम है कि अगर बिहार की लड़कियां और बिहार वाले हमारे प्रयागराज इलाहाबाद में अगर आकर के नौकरी न करे तो ये भूखे मर जाए खाने के लिए, समझ में आया। लेकिन ठीक है तू अपने बिहार की औकात दिखा दिया, लेकिन अब इसके बाद मेरे प्रयागराज इलाहाबाद की औकात दे। दोस्तों आप लोग शांति बनाइए, अभी 5 मिनट उसके बिहार की औकात में दिखाता हूँ। माई तोरे रचो शरम लाज बा, काहे बाबू को मारत यहाँ कहाँ से आई गे रे, कहाँ से आई गे मैं बता रहा हूँ कहाँ। तू पर आ
परानी के दुई परानी के दो परानी के दुई परानी के झगड़ा है। हां तो जमीन जायदाद सब लिखाय लियो और कहा तो दुई परानी के झगड़ा है। हरामजादी कुत्ती कभी नहीं। अरे जब से तूने इस घर में आई तूने इस घर में आग लगा दिया। हमें तो लगता है कि मेरी पत्नी खून नहीं किया था, ये खून पापिन तू ही की है। अरे ये कहते हमारे आय से घर बर्बाद हो गया। अरे हमारे जैसन मेहरारू के आय से तोर घर उजियार हो गया, तोर घर आबाद हो गया। कहते है ना जब तक सोचा तो है उसका ही है। तो देख करिश्मा मैं तुझे अब दिखाता हूँ। अब तक तो तेरी रात चली ना, लेकिन आज के बाद अब मेरी रात चलेगी। ग्राम सभा के बरियारी पाए क्या है? बरियारी वाले कहता हूँ वहाँ कि अब तक अब तुम्हारे माई की चलबे नहीं करे। हम कहा हमारे माई की जिंदगी भर चली बे, अब चले और चलता ही रहे, सब परेशान ही रहे। या इक्कीस भैया पुरस्कार बाबू साहब का नमस्कार। तो सुन आज के बाद सुन। अरे महल छोड़कर तुझको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और नहीं मार हेंटर की खाना, हेलो हेलो पिताजी इधर आइए, जल्द जल्द से आइए पिताजी। मुझे जब रास्ते में मालूम हुआ कि मां हर जाई हराम जद्दीन आपकी जमीन जायदाद सब अपने नाम करवा लिया, तो पिताजी मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन एक मदद की आपकी जरूरत मुझे है। सुन रहे सुनील भैया, आज तुम्हारे बाप बेटा मिलके हमके मारे ना, अब तुम्हारे के हम अपन असली औकात दिखाओ। रुक रुक एक मिनट रुक, ये हराम जादी साली एक बिहारन है, इसके चक्कर में पड़ करके बेटा हमने अपनी सारी जायदाद को बर्बाद कर दिया। लेकिन ये हराम जादी अभी अपने इलाहाबाद प्रयागराज की औकात नहीं देखी, आज इसको दिखाना है। बेटा एक काम करो पिताजी, मैं तुमसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई, हमारी गलती को हो सके तो क्षमा करना। पिताजी समय करने का समय नहीं है, जो है समय निर्दोष है बेटा। उसने अपने बच्चे का कत्ल नहीं किया, उसके बच्चे का तो हरामजादी यही किया है। तो पिताजी एक जरूरी काम यह है, उसके फांसी के समय अगर आप बयान दे देते हैं कि खून उसने किया है तो मेरी फूल गली बच जाएगी। चल बेटा बचा, मेरे साथ तैयार हो। ये हमारे मुन्ना शर्मा समी जी के तरफ से प्रस्तुत सीन देखते हुए 1 रुपए का पुरस्कार है, उनके चरणों में नमन है। हमारे समक्ष पार्टी का हार्दिक स्वागत है। हे भाभी कहाँ जाएगी तू? जाएगी नहीं जाएगी भाभी? हे भाभी कहवा, हे भाभी कहवा, हे भाभी कहवा गयो बल्ली का।
बेली अस्पताल में ए डॉक्टर भैया लिया चलता भाई साहब, अभी हम घरे ना पहुंच पाऊ, अब हमका रास्ता ही भरे में हमार कुल काम हो जाए भाई, अरे लिया चलता, अरे हमारे साथ है किया दुतारी हम हो गई ले कियारी, अरे हमारे साथ है के दुष्काराम भरा ही पीछे जाए के बाद भैया ने कहीं खेला यार तनी खेल गया अब वो चौकीदार क्यों चौकीदार और जो फूल गली नाम की जो हिरासत में आज काफी दिनों से उसे ले गया चौकीदार इसके हाथों से हथकड़ी खोल दो, फूल गली देखो फूल गली तुम्हारी तरफ से ना तो कोई गवाह आया और ना ही आज तक तुमसे कोई मिलने आया और कोर्ट जो है तुम्हें बहुत ही सोचा कि तुम्हें जमानत दे दी जाए लेकिन तुम्हारे तरफ से कोई कभी तुमसे मिलने नहीं आया और तुम्हें अपने मासूम बच्चे के कत्ल के जुर्म में तुम्हें इतना क्रूर माना गया है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त फांसी का हुक्म सुनाया गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगा कि अपनी इस अंतिम घड़ी में अगर तुम किसी से मिलना चाहती हो या कुछ खाना चाहती हो तो मुझे बताइए, मैं तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था जरूर करूंगा और हो सकेगा
तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा, अगर तुम्हारा कोई अपना हो तो बताओ, मैं तुम्हें अंतिम घड़ी में जरूर मिलाऊंगा। आखिर साहब, इस दुनिया में मेरा कौन है? मुझे खाने की कुछ इच्छा नहीं है। अगर साहब मुझको आप मिलाना चाहते हो तो मेरा बचपन का मेरा भाई रणविजय था, अगर साहब आप मिला दोगे आप तो बहुत। या मेरे मालिक, ये क्या मैं अपने कानों से सुन रहा हूं? किसका बचपन का भाई रणविजय? और रणविजय तो मैं हूं, आज के 20 साल पहले की कहानी है बाबू। मेले में मेरी बहन बिछड़ गई थी मुझसे, और ये क्या, अगर मेरी बहन फूल कली है तो अपने इन हाथों से इसे कितना मारा हूं मैं, ना जाने कितना सताया हूं इसे। और मेरी बहन तो ऐसा कभी नहीं कर सकती, अपने मासूम बच्ची का तो गला काट ही नहीं सकती। या मेरे मालिक, आज जिंदगी की कौन सी मोड़ पर आ गया हूं? फूल गली, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे आंखों के सामने आ जाए तो क्या तुम उसे पहचान लोगी? हाँ साहब, जब हम मेरा भैया मेला घूमने गई थी तो दाहिने हाथ में सूर चक्र का गुदना गुदाई थी भैया साहब, वही पहचानो मेरे भाई का। लेकिन तुम्हारा भाई अगर तुम्हारे आंखों के सामने हो तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तेरा भैया खड़ा है तेरे सामने, जुल्म अपनों पे भौरा जगत ने किया, मेरी किस्मत में कैसे लिखी राम। मुद्दत के बाद मुझे मेरी बहन मिली है, आज मुझे गले लगने दे यार। क्योंकि आप वर्दी पहनते वक्त कुछ कसम खाई होगी कि हम ऐसा ऐसा शक्ति काम करूंगा, चाहे हमारे घर का हो, चाहे हमारे गांव का हो, कहे या देश का हो, या मेरी बहन हो, या तो मेरी बेटी हो, या तो मेरा भाई हो, अब मैं इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। कैदी सर जी, ये जानते हैं कि आप इस वर्दी का पहनते हुए आप ऐसा गलत काम मत करिए सर जी, ताकि आपकी वर्दी की तो होनी हो। चौकीदार, लेकिन क्या करूं यार, कभी कभी भावनाओं में इंसान बहक जाता है और इतना दूर निकल जाता है कि वापस नहीं आ पाता। ये तो सही बात है सर जी। पुलकली मेरी बहन, माना कि मैंने तुमने अपने बच्चे का मर्डर नहीं किया, लेकिन तुम्हारा कोई गवाह नहीं है मेरी बहन। अगर मैं मिल भी गया हूं तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, फांसी तो आखिर तुम्हें होना है बहन, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा तू अमर हो जाएगी बहन। वाकई अगर परमात्मा ने चाहा तुम्हें तुम्हारी जन्नत जरूर मिलेगी। ठीक है भैया, तुम वर्दी पहने हो, इस वर्दी की ना रखो, जो नियम है कानून है वही करो भैया। मैं नंबर बोलूंगा और तुम फांसी का फंदा ही ले ला।
रुक जाइए, एक निर्दोष को दे रहे हैं सजा, जो है दोषी वो मौजी उड़ाता फिरे, एक निर्दोष को दे रहे हैं सजा। असला कातिल मैं यहाँ पकड़ के लाया हूँ, ये खुद बयान करेंगे खा इसने इसका मर्डर किसने किया, उस बच्चे का मर्डर। बाबूजी अरे आकर बता दीजिए, बयान दे रहा हूँ चिंता मत करो, पहले फांसी पर सुन करवाइए, पहले फांसी खोल दिया जाए दरोगा जी, उसके बाद मैं बयान देता हूँ। लेकिन तुम्हारे मुख से कम सुना तो जाए कि आखिर जिस जुर्म से फांसी हो रही है, क्या वाकई तुम्हारे बातों में दम है? जी हाँ बिल्कुल हमारे बातों दम है, उसको फांसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भी कितना भी हो तो मेरी बहू है। यानी असला कातिल कौन है? मैं बता रहा हूँ, इसका असला कातिल कोई नहीं है, इसका असला कातिल मेरी बीबी, मेरी रखेल चबेला भाई, जो मैं बिहार से लाया था वो है, ये निर्दोष है। ओह तो असली कातिल तुम्हारी बीबी चमेला भाई। चौकीदार देखो फूल गली को फांसी के फंदे से उतारा जाए, और चमेला भाई को जल्द से जल्द पेश किया जाए। अरे ओ चमेला भाई, तेरा अड्डा तो रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पे होता है। हम ब्याह करा, ब्याह करेगा इसलिए कोर्ट में आया। ओह पागल हो तो क्या हुआ, लेकिन दिमाग इतना है कि शादी विवाह खाली कोर्ट में होता है। ऐसा है दो मेहरान, ठीक है तुम्हारी शादी जरूर होगी, लेकिन एक घंटे के बाद। क्यों शमे बच्चा, क्यों रे? अरे ओ दांत छिंगार रही है तू, और इस तरह से तू अपना थोबड़ा दिखा रही है, हाँ मानो कि तेरे चेहरे पर सर्दी और गर्मी कुछ है ही नहीं। मुझे किसी बात का गम ही नहीं है, तो मेरे खुशी में मेरे चेहरे पे आपको खुशी नहीं दिख रही है क्या? खुशी है तभी तो दांत बाहर आए ना। कम तो तुम्हारे पास इतना आएगा कि तुम्हें देखकर यहां देखने वाले की बात छोड़ो, जिसके कान में आवाज जाती होगी वो भी सुधर जाएगा। चल सर सुनील कुमार जी। सर सर ये मेरी सौतेली माँ है, और उस बच्चे का कातिल यही है, मेरे पिताजी कालीचरण कसाई सब कुछ बता दिए, इस हरामजादी ने यहाँ के धन संपत्त बटोर करके बिहार लेकर भागना चाह रही है, और इसने मेरे पिताजी के से जमीन और जायदाद धन दौलत जो भी कुछ था उनके पास, इसने सब अपने नाम करवा लिया है ये, और ये इसका सगा बेटा जो कि इसके कोख से पैदा हुआ है, इसने जहर पिलाकर उसे पागल कर दिया है, ये मेरा भाई है साहब, इससे कड़ी सी कड़ी सजा दे करके इससे पूछताछ किया जाए। ठीक है क्यों रे चमेला भाई, मेरी इज्जत है क्यों रे से ये बता, सुनील कुमार जो बोल रहा है क्या हकीकत बोल रहा है? सर सर आप सुनील कुमार की बातों पे कैसे यकीन कर सकते हैं? कैसे यकीन कर सकता हूँ,
मैंने उसे गिरफ्तार किया। अरे दुनिया की कोई ऐसी मां नहीं है रे जो अपने मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दे। लेकिन हरामखोर, तू बिहार प्रांत से चल करके आई और एक जीवन यापन करने के लिए तुझे ये लाया उत्तर प्रदेश में, और हरामखोर तुझे इन मासूम बच्चों पर दया ना लगी, और ये देख तेरे ही कोख से पैदा हुआ तेरा बेटा हरामखोर आज ये पागल पागल पनता फिर रहा है। तू औरत है या डायन है? हरामखोर, तुझे तो ऐसी जगह रखा जाएगा जहां दिन की रोशनी तू कभी नहीं देख पाएगी, अपना जीवन तू काल कोठरी में बिताएगी। चौकीदार लगा हथकड़ी इसको। एक मिनट सर, मुझे एहसास हो रहा है कि सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे लोग बेगानों के साथ ऐसा करते, मैंने अपने बेटे के साथ ही ऐसा कर दिया। इस हालत में मैं उससे गलती तो नहीं मांग सकती, लेकिन अपने पति काली चरण कसाई से तो गलती मानने का मौका दे दीजिए। सुनिए ना, आपने मुझे एक अच्छी औरत समझ के अपने घर की लक्ष्मी बनाकर ले आए, और मैंने ही आपके साथ इतना गलत किया। मैं तुझे घर की लक्ष्मी समझ के लाया था कि तू हमारे परिवार का देख रेख करेगी, हमारे परिवार का अच्छे ढंग से पालन पोषण होगा, लेकिन तू एकदम बिल्कुल हर जाए नमक हराम निकल गई। ध्यान से बात मेरी सुनो स्वामी जी, ऐसी गलती दोबारा करूंगी नहीं। बच्चों के साथ, आपकी बहू के साथ, आपके नाती के साथ, यहाँ तक कि आपकी नाती को आपके हाथों मरवा दिया। अगर हो सके तो मेरी गलती माफ कर दो, वरना कानून सामने खड़ा है उसके हवाले कर दो, और आपके जिम्मे जो आए आप अपने हाथों से। नहीं बात नहीं चमला, मेरी बात सुनो, कानून किसी को छोड़ता नहीं है, कानून कानून होता है, लेकिन मेरी एक बात सुनो, कितना भी है सुनील हमारी औलाद है, वो भले तराल तू लेके आई है, लेकिन वो भी मैं उसको भी अपनी औलाद के जैसा समझता हूँ, हमारा सुनील उसको अपना भाई जैसा समझता है, समझ में आया? इतने लोग बहू बेटी के सामान सामान होती हो, बहू है मेरी। फिर एक काम करो, जो कुछ तूने किया ठीक किया, जितनी रियासत है और जागीर तूने अपने नाम मुझसे लिखाया धोखा दे करके, वो सारी रियासत जागीर ये हमारे दोनों बच्चों के नाम लिख दो, अभी तुरंत वापस कर दो, और साथ ही साथ
हम कौन से तुम्हें रिहा करा देंगे, और साथ ही साथ जो हमारे भाई लोग आए हुए आम जनता इसे गलती मान लो। उसके बाद मेरे दिल में आएगा तो तुझे घर में रखूंगा, नहीं तो सीधा तुझे बिहार, नहीं तो मेलुआ डी भेजूंगा। ठीक है स्वामी जी, अगर आप जानते हैं कि यहाँ पे आई हुई जनता जनार्दन से मैं माफी मांग लू तो मांगे लेती हूँ भैया बाबू हरा। हे भैया बाबू हरा, हम आई बहनी हो रहा लड़कियां बच्चा काका दादा, ये तो हमार काम रहा कि रात भर आपके मनोरंजन देख खातिर इतनी बड़ी बड़ी गलती करे, आप सबके मनोरंजन देख खातिर सब काम किए। अच्छा उन गलती रात भर की है, वो अपन लड़कियां अपन बच्चा समझ के हमार गलती माफ कर जा। हाँ तो मेरे ये दोस्त ये माते और बहनों, आप लोगों ने देखा, खैर कोई बात नहीं, पहले पागल को ठीक कर लो। देखिए इधर आओ, मैंने दूसरे के कहने पर रंगे हाथ देखने पर मुझे शक हुआ कि मेरी पत्नी ही खून किया है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैंने तुम्हें जेल जरूर भेजवाया, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा कि जब तक इसकी खोज नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। तू तो माँ संतोषी की व्रत रहती हो, बहुत सेवा करती हो, अरे उसी का अरदास करो, हो सकता है कि ये तुम्हारा देवर ठीक हो जाए। ठीक है स्वामी जी, या माँ संतोषी मेरे इस पागल देवर को पुनः ठीक करो। तूने कहा था बाबू, एक बार बहुत जल्द बहुत ढूंढा मैंने, आज तक मर पाया नहीं भाभी, कहाँ चली गई थी भाभी? देवर मैं क्या बताऊं, मैं जेल में थी, मेरी फांसी होने वाली थी। क्या तेरी फांसी? ये तो स्वामी जी आ गए और मुझे बचा लिए। मेरे भाई जो हमारी सौतेली माँ थी, यानी तुम्हारी सगी माँ, मेरी सौतेली माँ, तुम्हारे छोटे मुन्ने को उसने खून कर दिया। क्या? जो अभी हाल में पैदा हुआ था उसने उसने खत्म कर दिया। उसी के जुर्म में ये फूलकली को हमने जेल भेजवा दिया। फांसी के टाइम पे पिताजी के नाम से सारी जमीन जायदाद आपकी माँ ने लिखा लिया था। ये तो मैं पिताजी के पास जब मौके पहुंचा तो माँ इसे मार रही थी, तो हमने इनको बचा लिया, तो सही बयान इसने दिए। बड़ी हाँ बात भैया, बहुत अच्छी बात है आपने ऐसा किया, घर बचा लिया, बड़ी अच्छी बात है भैया, और सब कोई मिल गए, आज परिवार पूरा हो गया भैया, यही से भैया। हाँ दोस्तों, प्रिय साथियों, अरे सुनील कुमार जी, हाँ आप मुझे पहचानते नहीं होंगे? नहीं जी, मैं पहचान तो नहीं रहा हूँ, लेकिन अब मौके पे जो देख रहा हूँ उसको मानना पड़ता है। कहा गया है कि होनी तो हो करे अनहोनी ना हो, और जाको रह के साइयां मार सके ना कोई।
फौल कली का जेल जाना मेरे सौभाग्य की बात है। ये तो सही है। ये मुद्दत की बिछड़ी हुई मेरी बहन है। ये आपकी बहन है? जी हाँ। अरे वाह, ये मेरी सगी बहन है। आज तो हमारा पूरा परिवार मुझे मिल गया। अब इससे बड़ी खुशी क्या मिल सकती है? ज्योति से जाओ